दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियाज फेविकोल मैन के नाम से जाने पहचाने जाने वाले पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर बलवंत पारेख की। दोस्तों, शायद आप पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का नाम सुनकर इसके प्रोडक्ट को ना पहचान पाए, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि फेविकोल, फेविक्विक, एमसिल और डॉक्टर फिक्सिट, यह सभी पिडिलाइट के ही प्रोडक्ट हैं और इस कंपनी की शुरुआत 58 साल पहले बलवंत पारेख ने की थी, जिन्होंने कभी लकड़ी के व्यापारी के वहां चपरासी का भी काम किया। लेकिन अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बलबूते उन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दी और उनके प्रोडक्ट आज भारत के लगभग हर घर में यूज किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बलवंत पारेख की इस मोटिवेशनल लाइफ जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। बलवंत पारेख का जन्म 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नाम के कस्बे में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने कस्बे से ही की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह मुंबई चले गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की। और लॉ के पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी कांताबेन नाम की एक लड़की के साथ हो गई। हालांकि बलवंत ने लॉ की पढ़ाई बस घर वालों के दबाव में की थी, क्योंकि वह शुरू से ही एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे और साथ ही साथ वे एक देशभक्त व्यक्ति थे जिन्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और आपको तो पता ही है कि इस प्रोफेशन में बिना झूठ बोले कोई ज्यादा दिनों तक टिक सकता है क्या? इसीलिए बलवंत ने लॉ की प्रैक्टिस करने की बजाय मुंबई में डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में मजदूर के तौर पर काम करना शुरू किया। और आगे चलकर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि एक लकड़ी के व्यापारी के वहां उन्हें चपरासी के तौर पर भी काम करना पड़ा। और उन दिनों पैसों की इतनी समस्या हो गई थी कि वे अपनी पत्नी के साथ वही वेयर हाउस में ही रहते थे। लेकिन तभी उनकी मुलाकात हुई मोहन नाम के एक इन्वेस्टर से, जिन्होंने पारेख के टैलेंट को पहचाना और उन्हीं की मदद से पारेख ने वेस्टर्न कंपनी से साइकिल और सुपारी इंपोर्ट करने का काम शुरू किया और इस बिजनेस से उन्हें जल्दी अच्छा खासा फायदा भी होने लगा। एक्चुअली यह उस समय की बात थी जब भारत कुछ ही साल पहले आजाद हुआ था और अपना देश खुद के पैरों पर खड़े होने की तैयारी में था। अब तक जितनी भी चीजें मजबूरन बाहर देशों से मंगाई जाती थी, उसे बहुत सारे बिजनेसमैन भारत में ही बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी बलवंत पारेख की नजर लकड़ी के कारीगरों की तरफ गई। उन्होंने देखा कि कारपेंटर्स को लकड़ियों को जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उस समय तक जानवर के चर्बी से बनाए जाने वाले शरीर को गोद की तरह से उपयोग किया जाता था, जिसे यूज करने के लिए पहले खूब उबालना पड़ता था और इसमें से बहुत जोरों की बदबू भी आती थी। और फिर इसी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए पारेख ने खूब रिसर्च की और फिर अंततः उन्होंने सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोद बनाने का रास्ता निकाल ही लिया, जिसके बाद 1959 में पिडिलाइट ब्रांड के तहत उन्होंने सफेद और खुशबूदार गोंद को फेविकोल नाम के साथ लॉन्च किया। दरअसल फेविकोल नाम जर्मनी शब्द कोल से लिया गया था, जिसका मतलब होता है दो चीजों को जोड़ने वाली, और जर्मनी की ही कंपनी मोविकोल कुछ इसी तरह का प्रोडक्ट पहले से ही बनाती थी। और मोविकोल के नाम से इंस्पायर होकर पारेख ने इस गोंद का नाम फेविकोल रख दिया। और फिर क्या था, अगर आप आम जनता के प्रॉब्लम्स को देखते हुए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस कभी फेल हो ही नहीं सकता। फेविकोल तेजी से लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगा और फिर समय और जरूरतों के अनुसार पिडिलाइट ने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में उतारे और आज के समय में कंपनी का रेवेन्यू कई हजार करोड़ रुपए है और इस कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार भी दे रखा है। हालांकि बलवंत पारेख ने 2013 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके इस लाइफ स्टोरी ने हमें अपने लाइफ में कुछ कर गुजरने की एक ताकत जरूर दे दी है। तो दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो तो बस हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।